राधे राधे। गीता जी के आखिर में संजय ने बतलाया है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, अर्थात जहाँ पर भगवान कृष्ण रहते हैं और जहाँ उनका भक्त अर्जुन रहता है, धनुर्धर होने का तात्पर्य अपने कर्म में लगा हुआ, निठल्ला नहीं बैठता, भक्त अपने कर्म में लगा रहता है, वो जहाँ होता है और उसके भगवान एक साथ में होते हैं तो क्या होता है, तत्र शीर वीर्यो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो संजय का कहना है कि वहीं पर श्री होती है, मतलब लक्ष्मी जी होती है, विजय भी वहीं होती है, अर्थात सफलता हर प्रकार की वहीं होती है, भूति अर्थात वैभव होता है वहाँ पर, यश होता है। तत्र श्री वीर्यो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं कि ये मेरी निश्चयात्मिका बुद्धि से समझी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ महाराज। धृतराष्ट्र को उन्होंने कहा था, मेरी दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि ने यह निर्णय लेकर समझा है कि जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं और जहाँ उनका प्रिय भक्त अर्जुन धनुर्धारी होता है, वहीं पर श्री अर्थात लक्ष्मी जी, विजय अर्थात सफलता, विभूति, ये सब होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त को धनुर्धर रहना चाहिए। धनुर्धर रहने का तात्पर्य हुआ कि अपने कार्य में सावधानी से प्रवृत्त होना चाहिए और साथ में ये अनुभूति निरंतर चिंतन स्मरण में रहनी चाहिए कि हमारे साथ हमारा कन्हैया है। तो कन्हैया और भक्त दोनों एक साथ जहाँ रहते हैं वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो दोनों को एक साथ ही रहना पड़ेगा, अलग अलग नहीं। श्री राधे राधे राधे।